नमस्कार, मैं प्रीति त्रिवेदी। मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है और एमएससी करके फिर बीएड करके मैं टीचिंग में आई हूँ। मैं फिलहाल वर्तमान समय में प्रभारी प्रधान अध्यापिका हूँ कंपोजिट विद्यालय महमूरगंज नगर क्षेत्र वाराणसी में। यूँ तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम करते हैं और मैंने तो शिक्षा को अपना जो कर्म स्थल बनाया वो 95 से ही, तो ये एक लंबी अवधि हो गई 25 साल की कि मैं शिक्षण कार्य से जुड़ी हूँ। इस बीच मैंने बहुत सारे नवाचार किए, बहुत कुछ किया, क्योंकि विज्ञान और गणित में नित नए प्रयोग करते रहने से ही बच्चे कुछ सीख पाते हैं। लेकिन ZIIEI श्री अरविंदो सोसाइटी से जुड़कर हमारी सोच को एक नई दिशा मिल गई, एक सही दिशा मिल गई। ऐसा है कि हम अपनी व्यस्तता में, अपने कामों के बोझ में अगर सही समय पे सही चीज़ें नहीं सोच पा रहे हैं और कोई हमें थोड़ा सा दिशा दिखाने वाला मिल जाता है तो उसका हमें एक बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो जब से अरविंदो सोसाइटी से जुड़ी, हमें नित नए नवाचार और प्रयोग साथियों से और लोगों से सीखने को मिल रहे हैं। हमें एक खास दिशा मिल रही है कि हम किस तरह से अपने कार्यक्षेत्र में नए नए प्रयोग करें और बच्चों को उससे लाभ पहुंचाएं। तो हमारे बच्चे भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, हम स्वयं भी अपने आप में अपनी क्षमता में परिवर्धन कर पा रहे हैं, अपने गुणों को बढ़ा पा रहे हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास कर पा रहे हैं और इस तरह से हमारे बच्चे नित नई चीज़ें सीख रहे हैं। और ख़ास करके अरविंदो सोसाइटी का जो शून्य निवेश नवाचार है, शिक्षा में शून्य निवेश बहुत मायने रखता है। अब एक छोटा सा कागज का अगर ये टुकड़ा है और हम ही इसे कटिंग करके बच्चों से कहते हैं कि आप वर्क बनाइए और वो बनाते हैं, तो इससे वो पूरी तरह जुड़ जाते हैं। इसके बाद इनसे हम अगर इस तरह से त्रिभुज बनवाते हैं या भिन्न की आकृतियाँ उनसे कटवाते हैं तो बच्चे वर्ग, आयत, त्रिभुज या फिर सिलेंडर इस तरह से मोड़ के अगर इस तरह से कटिंग करके सीखते हैं और बनाते हैं तो भविष्य में ये ज्ञान उनके लिए स्थायी होता है। क्योंकि गणित वैसे तो अमूर्त है लेकिन हम उसे मूर्त रूप में सिखाते हैं तो वो ज्ञान जो है उनके लिए रोचक भी होता है और स्थायी भी होता है। तो अरविंदो सोसाइटी ने हमें बहुत सारी रोचक गतिविधियाँ सिखाई और उसके लिए हमेशा समय समय पर फीडबैक दिया। और अभी जिस तरह की कोरोना काल में हम बच्चों से डायरेक्टली नहीं जुड़ पा रहे थे, स्कूल नहीं बुला पा रहे थे, तब इन्होंने ई पाठशाला और अन्य माध्यमों से जिस तरह से हमें जगाए रखा और हमारे बच्चों को उसका लाभ मिलते रहा, इसके लिए हम अरविंदो सोसाइटी के बहुत बहुत आभारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आगे भी हम इस ग्रुप से जुड़ के बहुत कुछ नया सीखेंगे, अच्छा करेंगे और जिसका लाभ हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को, हमारे स्कूल को, हमारे समाज को अवश्य मिलेगा। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके सबके लिए और स्वयं भी मैं बहुत आभारी हूँ श्री अरविंदो सोसाइटी की। धन्यवाद।